चलो ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण सर्वसमिकाएं। लिखो महत्वपूर्ण सर्वसमिकाएं। यहाँ पर जो ये मैं फार्मूलाएं लिखा रहा हूँ बच्चा, सूत्र, इन्हें लिख लो, अभी जब आगे सवाल करोगे तो ये सब लगेंगे, ठीक है। पहला आप लिखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 2xy। इसको कुछ लोग a और b के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a होता है, जहाँ y है वहाँ b होता है। तो इस तरह से भी आप लोग इसे कर सकते हो। जो भी 9th का आपका ये बहुपद का चैप्टर है, इसमें 8 प्रकार की सर्वसमिकाएँ लगेंगी, जो आप कक्षा 8 में भी पढ़े हो, है ना। थोड़ा बहुत वीडियो में समस्या हो रही तो बता देना, सही चल रहा है ना। हाँ, आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे, पहले सूत्र तो लिख लो बच्चा, ये फार्मूले अभी लगेंगे। शायद पिछली क्लास में फार्मूले लिखवा दिया था क्या मैं? हाँ पिछली क्लास में लिखवा दिया था, तो मैं 2-3 लिखवाऊंगा बस, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे लिखते चलेंगे। वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। इसके बाद बच्चा आपका तीसरा है, ये तो सभी जानते हैं, बहुत छोटा सा है लेकिन तुम्हें आना चाहिए, हमेशा तुम्हारे दिमाग में खोपड़ी में रहना चाहिए। अभी तुरंत इनका यूज होने वाला है, जैसे एक्सरसाइज शुरू करोगे तुरंत। यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी, ये एक नया सूत्र है, इसे आपको ध्यान देना है। यक्स का स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए बी। ए बी होता है। लिख लो इसे जल्दी से। साधना यादव जी, कमेंट आपका आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। आर्यन फिल्म इनका नाम है ये। विकास त्रिपाठी, बंटी सिंह। बंटी सिंह बच्चा देखो पढ़ाई कर लो, पहले पहले पढ़ाई कर लो, फिर कमेंट की पढ़ाई हम बाद में करेंगे। कमेंट पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ तो अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चा, तुम लोग की किताब में क्वेश्चन करने का ज़्यादा चुल्ल पड़ी है। चलो मैं किताब वाला ही करवाता हूँ, एक्सरसाइज वाला करवाता हूँ, समझो। लेकिन तुम्हें सबसे पहले इन्हें समझना पड़ेगा। स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से। हो गया? चलो ठीक है। तो अब आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा इसका। तो देखो बच्चा, अगर हम चैप्टर में घुस जाएं डायरेक्ट एक्सरसाइज में, तो तुम समझ नहीं पाओगे कुछ, इस बात को समझो। ये एक्सरसाइज 2.5 का है, लेकिन उसके पहले जो कॉन्सेप्ट है हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 2.5 के जो पहले का कॉन्सेप्ट है, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। देखो समझो, तो अब क्या है, एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। अच्छा, 3 घात वाला भी सर्वसमिका मैंने नहीं लिखवाया ना अभी। हाँ 3 घात वाला नहीं लिखवाया ना, शायद उस दिन मैं लिखवाया था, लेकिन अब तुम सूत्र करो तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन है लिखो, अभी ये उदाहरण है, लिखो सर्वसमिका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखो जो नंबर मैं दे रहा हूँ उनका तुम क्यूब करके मान तो निकाल लोगे, लेकिन अगर 9th में हो बच्चा तो तुम्हें सर्वसमिका प्रयोग करके निकालना होगा, ठीक है। सर्वसमिका का प्रयोग करके निकालना होगा। जिनको कोई इंक्वायरी करना, नीचे नंबर चल रहा है उस पर दिन में कांटेक्ट करना, अभी मैसेज कर दो इस टाइम, ठीक है। तो बेटा इसका जो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मैं तुम्हें सिखाने के लिए दे रहा हूँ, वो है 104 का घात 3। अब अगर तुम करो तो 104 इंटू 104 इंटू 104 करके तुम इसका मान तो निकाल सकते हो, इसका मान तुम निकाल सकते हो। लेकिन ये क्लास है 9th के बच्चों का, हाँ ये 9th के बच्चों का क्लास है। अच्छा एक मिनट, मैं काट के फिर से चालू कर देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, 2 सेकंड रुकना बस, ठीक है। अब ठीक है, पूरा क्लियर है? थोड़ा लैग कर रहा था ना हल्का फुल्का। चलो ठीक है, ठीक है। तो अगर आप 9th में हो तो आपको डायरेक्ट मान नहीं निकालना बच्चा, आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, सर्वसमिका लगाना है,
देखो इसका आंसर कोई बताएगा? रविशंकर बता रहे हैं। ठीक है रविशंकर, बहुत अच्छे। देखो बच्चे समझो, यहां से इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे? 104 जो है इसे हम लिख सकते हैं 100 + 4 का होल क्यूब। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, सभी जल्दी से बोलो यस या नो, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? हिमांशु जी, मुकेश कुमार, श्राद्धा, पंकज, ठीक है बच्चा लिख सकते हैं ना? तो यहाँ से समझो, तो बच्चा देखो इस पे एक फार्मूला लगेगा। अभी अभी मैं सर्वसमिका लिखवा रहा था तो तुम लोग का मन नहीं लग रहा था। x प्लस वाई का होल क्यूब, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, पढ़े हो ना, पढ़े हो। तब यहाँ पे समझो, मैं ये फार्मूला इधर साइड में रख देता हूँ, यहाँ से लाके यहाँ लगा लूंगा, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ समझो x प्लस वाई का होल क्यूब, तो बच्चा ही हो जाएगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy, और ये x प्लस वाई। बोलो ये हो जाएगा कि नहीं? हाँ ये हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना बच्चा? तो इसी फार्मूले पे आपको क्या करना है, इन मानों को रख देना है, ठीक है? चलो ये प्लस वाला याद रखना, प्लस वाला फार्मूला हर जगह प्लस होगा। चलो अब समझो, अब हमें क्या करना है, यहाँ से समझना है और इसी के अकॉर्डिंग इसमें मान रखने हैं, ठीक है बच्चा? समझो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जहाँ पर यक्स है इसमें, वहाँ पर तुम्हें 100 रखना है, याद रखना 100 रखना है। जहाँ पर इसमें वाई है वहाँ पर तुम्हें क्या रखना है, 4 रखना है, ठीक है? स्वाति को ब्लॉक कर दो भाई, और गीता को, दो लोग को ब्लॉक कर दो, ये लोग नंबर कमेंट कर रहे हैं। जो मोबाइल नंबर कमेंट कर रहा है उसे तुरंत ब्लॉक कर दो परमानेंट के लिए, क्योंकि ये पढ़ने वाले हैं नहीं, इनके गुण नहीं लग रहे हैं पढ़ने वाले, इनको कुछ और चाहिए जो कि यहाँ नहीं मिल रहा अभी। चलो देखो, तो इसी में मान रखेंगे, यक्स की जगह पे 100, वाई की जगह पर 4, 3 × x, ठीक है? अब देखो यक्स, यक्स की जगह पे क्या रखोगे, यक्स की जगह पर क्या रखोगे बच्चा, 100 रखोगे, वाई की जगह पर क्या रखोगे, 4 रखोगे, और फिर ये वैसे हो जाएगा 100 + 4, इतना ही करना है हमें, ठीक है? इतना ही करना है हमें, ठीक है? हाँ रविशंकर, इन लोगों को होल्ड करते जाओ तो आप ही करते जाओ, ठीक है? चलो इन लोगों को होल्ड करते जाओ, तो दो बार करें तो ब्लॉक करो परमानेंट। इसका कोई आंसर बताएगा, कोई आंसर बताएगा? चलो तो बच्चा देखो, इसका 3 0 है ना, यहां से तुम समझो, अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आता है। कैसे आता है तुम्हें पता है? हाँ कैसे आता है भाई, 3 0 जब 3 घात रहती है तो ये 3 0 हो जाता है, लेकिन आप सोचो कि ये दो दो जीरो वाला है, मतलब ऐसे है, घात 3 है तो कितना जीरो आएगा, 6 0 आएगा बच्चा, कितना आएगा, 6 0 आएगा, ठीक है? अब मैं इतना नहीं बताऊंगा, तुम लोग 9th में हो, कोई छोटका बच्चा थोड़ी हो। हाँ चलो समझो, देखो अगर किताब के अकॉर्डिंग पढ़ना है बेटा तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा, तो इसमें 6 0 रहेगा, याद रखना। 6 0 को क्या पढ़ेंगे मालूम है तुम्हें, 5 0 होता है तो उसे 1 लाख पढ़ते हैं, याद रख लो। ऐसे 1 लाख में कितना जीरो, ऐसे चचा दद्दा लोग पूछ लेते हैं, फला नहीं आवा पढ़ा थे क्या क्लास में, कक्षा 9 में, गाँव में होता नहीं, चचा लोग पूछ लेते हैं बताओ 1 लाख में क्या जीरो, तो तुम ऐसे करोगे, नहीं पता है तो मेरा भी नाम डुबाओगे। हाँ याद रख लो, 1 लाख में 5 0, 1 0 और लगा लोगे 10 लाख हो गया, ठीक है? उसके बाद 4 का क्यूब करोगे, 4 चौक 16, चौका 64, और फिर ये करोगे बेटा 3 चौक 12, हाँ कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 ना, और 12 का 1 में गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200 ना, कितना हो जाएगा बच्चा,
1200 हो जाएगा। तो ये कर लो भैया, एक थोड़ा छोटा छोटा मैं कर दे रहा हूँ, 100 प्लस 4। कितना समझ में आया? देखो मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें करवा रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आया। भाई सोनू कुशवाहा को क्यों नहीं ब्लॉक कर रहा है? रविशंकर, रविशंकर जाग रहे हो कि नहीं? हाँ, तुम्हें मॉडरेटर बनाया गया, तुम क्या कर रहे हो? इना लायक देखो क्या लिख रहा है इतना देर से। अब इसको क्या करेंगे, इसका अंदर में मल्टीपल कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे, बस हो गया काम खत्म। देखो भाई ये आपका 10 लाख वैसे हो जाएगा, और ये 64 और ये प्लस 12 का इसमें गुणा करोगे बच्चा। देखो 1200 तो पहले से है, 1200 पहले से है। उसके बाद इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। हाँ तो इसमें 2 जीरो लगा दो ये, और प्लस ये 1200 का इसमें गुणा कर दो बच्चा, तो 12 चौक हो जाएगा 48 और 2 जीरो, सबको जोड़ दो कितना आएगा, ये कितना बना है बच्चा? बच्चा पता है तुम्हें? देखो कितना बना है, 1,20,000। कितना बना है? 1,20,000। ठीक है, ओके गुड, चलो जोड़ते हैं आगे, चलो आगे चलो, मुझे जोड़ के बताओ, सभी बच्चे जोड़ के बताओ कितना आएगा। देखो बेटा ये इतना आएगा ना, लगभग इतना आएगा ना, एक तीन गिनती में नहीं आएगा, 112, 48, 64। इतना आएगा, कैसे आएगा? देखो मैं इसको तुम्हें क्लियर करके बगल में भी बता दे रहा हूँ, समझ लो। इनको सबको नीचे ऊपर करके जोड़ेंगे बेटा, ठीक है, नीचे ऊपर करके। देखो इधर साइड में मैं जोड़ के तुम्हें दिखा देता हूँ, समझ लो। थोड़ा सा जगह में ये मैंने बना लिया है, डकैते में समधियान, देखो यहाँ पे समझो, 3, 0, 4, 5, 6, ये कितना जीरो हो गया, 6 जीरो। ये 64 है ना बच्चा, तो इसको नीचे जोड़ेंगे, सबसे बड़ा वाला पहले जोड़ेंगे। देखो इसमें 4 जीरो है, ये ऐसे ला के इन्हें सेटलमेंट कर लो। इसमें 2 जीरो है, हाँ, इसमें 64, बस जहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वहाँ जीरो लगा लो, इनको सबको बराबर कर लो जीरो लगा लगा के, बस ऐसे जोड़ते हैं। अगर ऐसे तुम जोड़ोगे तो सही होगा, वैसे जोड़ोगे तो कभी सही नहीं होगा, ठीक है। रविशंकर इन्हें 5-5 मिनट के लिए होल्ड करिए, बस परमानेंट ब्लॉक ना करिए, अभी बचवा हैं, ये सब छोटे हैं, अभी समझदार नहीं है, अभी इनके अंदर जो है ना हार्मोन्स कुछ ज़्यादा निकल रहा है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तो इनको 5-5 मिनट होल्ड करो, उसके बाद जब ये ज़्यादा आती कर दें तो ब्लॉक कर दो एकदम से, समझ रहे हो ना? जो नंबर वंबर दे रहे हैं इन्हें समझे रहो बस, चलो। तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, 1 हो गया, बस हो गया ख़त्म। यही तो करना था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, मैं सामने से हट गया हूँ, जल्दी करो, मैं तुरंत मिटाऊंगा और फिर दूसरे सवाल पे चलूँगा। कार्तिकीय टंडन, कार्तिकीय टंडन बेटा ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का, मैं यहाँ हार्ड है कि कठिन है कि कैसे है मुझसे नहीं मतलब है, मुझे सिलेबस पढ़ाना सिस्टम से, ये नहीं कि ये आसान है तो मैं छोड़ दूँ। तुम्हारे लिए आसान है ना, मान लो तुम्हारे जैसे कोई और चुल्ला है जिसको कुछ नहीं आराम घास, उसको क्या करेंगे भाई, उसको भी सिखाना है ना, वो भी तो भारत का भविष्य है, क्यों उसके नहीं लड़के बच्चे होंगे कल को, वो कैसे सीखेगा। चलो अब इसको मैं मिटाता हूँ, अगले सवाल पे चलता हूँ। राहुल कुमार, ठीक है बच्चा चलो, तो इसको मैं अब मिटा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कुछ ऐसे भी साथी हैं जो क्लास को लाइक नहीं करे बाबू, ठीक है, तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, देर ना करो, फटाफट जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, देर मत करिए एक भी सेकेंड का। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाएंगे लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, चलो एक्सरसाइज भी करवा देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हो गया उसके अकॉर्डिंग ना, तो अब तुम एक्सरसाइज वाला टाइप में कर लो, एक्सरसाइज वाले में चलो समझो। ये बताओ सभी बच्चे जल्दी से, इस तरह का कर लोगे अब, बोलो हाँ या नहीं, इस तरह के सारे प्रश्न कर लोगे कि नहीं। हरिकेश कुमार, वर्षा सिंह, महेश सैनी,
इस तरह के सवाल तुम लोग कर लोगे कि नहीं, अभी ये बताओ पहले, कर लोगे ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मीरा वर्मा, रीसू, अरविंद, ये जो बातचीत कर रहे थे ना, ये दीपक को भाई होल्ड करो। दीपक बहुत दिन से एकदम मतलब गंध मचा के रखा है, इसको होल्ड करो। और मैं इसको चाह रहा हूँ कि ब्लॉक कर दिया जाए। और ये जितने हरामखोर हैं जो ये कॉल करते हैं ना, अभी ये ब्लॉक कर देंगे तो कॉल करेंगे, सर मेरा अनब्लॉक करवा दीजिए प्लीज़, सॉरी। हाँ कहेंगे मेरा अनब्लॉक करवा दीजिए, तो बेटा दोबारा अनब्लॉक नहीं होता है। जिसको एक बार ब्लॉक किया वो परमानेंट ब्लॉक, फिर तुम इस चैनल पे कमेंट नहीं कर पाओगे। फिर फ़ोन करोगे ना तो फिर समझ लो सारी गुस्सा तुम्हें समझ में आ जाएगी। चलो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, उसी के टाइप का एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। पहले एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल पहले समझ लो, एग्जाम्पल समझने के बाद में फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो 2.5 के सेम टू सेम क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सीधे गुणा ना करके क्वेश्चन देखो, एकदम सेम वैसे है। सीधे गुणा ना करके 105 106 का मान ज्ञात कीजिए। 105 × 106 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब तुम्हें सीधा सीधा गुणा नहीं करना है। हाँ समझ रहे हो ना चाचा? चाचा समझ रहे हो तो चाची को भी समझा दो और समझो। मतलब तुम्हें सीधा सीधा गुणा नहीं कर लेना है। मंतासा रानी कुछ समझ में आ रहा है कि बस वैसे रानी बनी बैठी हो? कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? क्लास का टाइम रोज शाम को 7 बजे होता है, पता है तुम्हें कि नहीं? शाम को 7 बजे होता है। देखो यहाँ समझो, अब क्वेश्चन इसका जो है वो क्या है, वहां पे तुम्हें दिख रहा है 105 × 106 का क्या करना है, हमें मान निकालना है। बच्चा अभी अभी तुम्हें मैंने एक सर्वसमिका लिखवाया था, जो चाचा लोग अभी अभी आए हैं वो समझ लें। ये सर्वसमिका मैंने लिखा था x प्लस ए और x प्लस बी, इसको लिख लो। अभी यही सूत्र लगेगा बचवा, इधर दिखेगा ना, x का स्क्वायर प्लस ये आपका था a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी, ये सर्वसमिका लगेगी बच्चा, यही लगेगा। अभी अभी मैं लिखा था, लिख लो। रोज ये क्लास शाम को 7 से 8 होती है, आज 8 से 9 हो रही है। प्रयागराज डूब रहा है तो कुछ डूबते को सहारा देना चाहिए, इसलिए लेट हो गया है, समझ रहे हो ना? चलो देखो समझो, तो ये सर्वसमिका लगेगी बच्चा, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो ला करके, इनको यहाँ पे ला के रखो। क्वेश्चन लिखो, देखो यहाँ पे डाल दो हल। भाई नाइन्थ में हो तो बहुत सिस्टम से कराना ही पड़ेगा। 105 × 106, इसे क्या करोगे, एक एक नंबर को जैसे अभी मैंने बताया था दो पार्ट में तोड़ोगे, दो पार्ट में तोड़ोगे। हाँ दो पार्ट में तोड़ करके सूत्र लगाओगे। तो चलो करो बच्चा, देखो इसे हम लिख सकते हैं 100 + 5, बोलो लिख सकते हैं ना? किसी को कोई परेशानी है तो बता देना। इसको हम लिख सकते हैं × 100 + 6, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या नहीं? मोहित तिवारी, राहुल अहिर, हरी कृष्णा, भाई नाम तो तुम लोग बड़े डेंजरस रखे हो। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चा, ये सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र अभी अभी मैंने लिखा था, तुम्हें समझ में ना आया हो तो मैं मिटा दिया हूँ, अब तुम मत समझो नहीं आया तो। एक बार फिर लिख देता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत बड़े गधे हो, मुझे लिखना पड़ेगा तुम्हें समझाना है तो। देखो समझो बेटा, अभी अभी मैं एक फार्मूला लिखा था x प्लस ए और इंटू x प्लस बी लिखा था ना, ये सूत्र आके जाके होता है x का स्क्वायर और ये a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी, ये होता है ना, इसी में तुमको मान लाला के ठूस देना है। और क्लास को लाइक कर दो, नहीं हम तुमको अभी, समझ रहे हो ना?
जल्दी करो तुरंत, पहले जल्दी से सभी बच्चा क्लास को लाइक करेगा तभी मैं आगे बोलूंगा, नहीं तो मैं आगे एक अक्षर नहीं बोलूंगा, मतलब लिखूंगा नहीं, बोलूंगा तो है। जल्दी से सभी बच्चे पहले इस सेशन को लाइक करें, भगवान राम राम माई रे माई, इतना कम लाइक, मतलब देख रहे हैं 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा लगभग बच्चे हैं, लाइक अभी 100 भी नहीं हुआ का। चाचा पढ़ोगे तुम, लाइक पड़ोसी करेगा का। जल्दी करो तुरंत, फार्मूले में मान रखते हैं, टाइम वेस्ट ना करो, फटाफट चलो। और मैं देख रहा हूँ कौन नहीं कर रहा है। अखंड प्रताप बच्चा सुन रहे हो ना, ए मंतासा की मम्मी नाम ले लेके कमेंट करे जा रही ना, जल्दी करो तुरंत, देर ना करो। मैं देख रहा हूँ तुम ही लोग को देख रहा हूँ, और कौनो कौनो साथ में खाए भी जा रहा है, मुझे दिख रही तुम लोग की शकल। और सही से बैठा करो, अच्छे से कपड़ा लत्ता पहन के, बस मतलब मेरे बोलने पे 14 लोगों ने लाइक किया, बाकी लोगों को लग रहा है बोलने दो क्या जाता है। बेटा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो बोलता ही हूँ, ऐसे भी ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भाई टाइम वेस्ट ना करो। और ये लाइक करना है अंगूठा ऊपर को जो है चाचा, नीचे वाला ना करना, नहीं मेरा गला दबाए दो, सही करना ऊपर वाला, हाँ जो नीचे वाला दबाएँ वो ऊपर वाला दबाएँ ज़रूर, समझ रहे हो ना। चलो जल्दी करो, देर ना करो, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट करना है। और तुम लोग भैया क्लास को शेयर नहीं करते हो, ये बहुत गड़बड़ कर रहे हो जान लो, हाँ देखो समझो, इसी में क्या करना है मान रख देना है बच्चा। देखो जहाँ जहाँ पे 100 है, वह तुम लोग उल्टा काम करोगे तो मुझसे उल्टा ही निकल रहा है। जहाँ जहाँ पर यक्स है वहाँ वहाँ पर तुम 100 रखोगे, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ तुम 5 रखोगे। यहाँ मैं मान लेता हूँ, चलो देख लो, यहाँ पे खोपड़ी धसा लो इधर, माना यक्स बराबर 100, ए बराबर 5, हाँ और बी बराबर था, सारे मान रख दो, ये तीनों मान तुम्हें मैं दे दिया हूँ। खुशी सिंह देखो तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया है। देखो समझो, यक्स की जगह पे 100 रखोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए, ए का मान मैंने तुम्हें दिखाया है 5 है और बी का मान 6 है, हाँ तो बच्चा ये हो जाएगा 5 + 6, यक्स का मान 100 इंटू 5 × 6। इसका मुझे आंसर बताओगे जो दांत चियार रहा इसे ना, वो पहले बताएगा। चल बता, वैसे भी मेरे दांत बहुत अच्छा नहीं इसलिए दिखाता नहीं, एक अंदर को घुसा है, टूटा नहीं है अंदर को गया है, लेकिन अच्छा है, बाहर को नहीं निकला, लोग फचा बोलते हैं, ऐसे निकला रहता होता नहीं है, बाहर को निकला रहता है कुछ लोग का, ऐसे मेरा बाहर को नहीं निकला अंदर को गया है, देख रहे हो कुछ लोग हैं उनका सड़ गया है, गंधा रहा है। कितना आएगा 11130, प्रेमचंद बता रहे हैं, हाँ भाई प्रेमचंद, नाम ही तुम्हारा प्रेमचंद है तो उत्तर गलत कहाँ से होगा, सही है सही है। तो बच्चा देखो इसका जब स्क्वायर करोगे तुम तो इसमें 2 0 है, स्क्वायर करोगे तो 4 0 हो जाएगा, मुझसे कोई मतलब नहीं कैसे किया, बस 2 0 है स्क्वायर किया 4 हो गया, भाई अकेले रहें अकेले रहें, स्क्वायर होएगा डबल हो गया बस। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 6, देखो बच्चा 5 और 6 हो जाएगा 11, ठीक है 11 मतलब शुभ शुभ संख्या है, पहले दक्षिणा दिया जाता था 11 रुपया, अब तो पंडित जी खुद बोलते हैं 11 का है 1000 एक दे ना मिनिमम, मतलब छोटा छोटा नहीं तो बड़े में तो लंबा। तो 11 का क्या करोगे, 100 में गुणा करोगे बच्चा तो 1100 हो जाएगा। कुछ पंडित जी लोग होंगे गरिया रहे होंगे, फालतू हमारी रोजी रोटी बलात मार रहा है, मतलब इन सबको जोड़ लो, जोड़ लो जल्दी से, 111 30 वही लगभग आएगा 11130। ठीक है लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूँ। बच्चा ये बताओ अब किसके किसके पास एनसीईआरटी किताब है, किसके किसके पास एनसीईआरटी किताब है,
देखो राजा, जो एनसीईआरटी किताब लेके बैठे हो ना, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर तुम देखो तो सेम टू सेम ऐसे है जैसे ये है, नंबर केवल अलग अलग है बस। हाँ, और जो कुछ महाशय महोदय लेके दूसरी किताब बैठे हैं प्राइवेट वाली, जैसे मनोहर प्रकाशन हो गया, लक्ष्मी प्रकाशन, नगीन प्रकाशन, पता नहीं कौन कौन सी प्रकाशन आती, बहुत सारी आती किताबें, मुझे याद नहीं है सब। तो उनमें भी तुम सूत्र यही लगाओगे, तरीका यही है। हो सकता है तुम्हारे में गिनती अलग हो, जैसे इसमें 105 है तुम्हारे में 101 हो, इसमें 106 है तुम्हारे में 112 हो, तो गिनती अलग होगी लेकिन तरीका वही लगेगा, सूत्र वही लगेगा, याद रखना। तो ये टेंशन पाल के मत बैठना कि हमारे किताब मत मिलते ना, ना भगवान ही तो हमारे काम है ना, नहीं तुम्हारे काम का है, सीख लो बस। चलो, कोई भी प्रकाशन का है बच्चा, देखो तुम एक चीज अपने दिमाग में रख लो, किसी भी प्रकाशन की बुक है, नियम वही है, सिलेबस वही है, पाठ्यक्रम तुम्हारा सब वही है, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड है तुम्हारा, हाई स्कूल में ही तो हो ना भाई, क्लास अगर समान है, मतलब वही 9th में हो, हाई स्कूल में नहीं, क्लास समान है तो लेवल समान है, ऐसा नहीं कि बिहार वाला 12 लेवल का पढ़ेगा, हाँ दिल्ली वाला जो है वो बीएससी लेवल का पढ़ेगा कक्षा 10 में, लेवल वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, पाठ्यक्रम वही है, सब वही है। चलो हाँ, बस तुम्हारे सिलेबस में, बस तुम्हारे सिलेबस में पॉलिनोमियल होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए बस। चलो तो अब मुझे ये बताओ, इस तरह का सारा सवाल कर लोगे कि नहीं? ज्यादा लोग तुम भी बता दो, कर लोगे ना? विशाल, राजन कुमार, मुकेश, एक खुशी है, तुम भी कर लेगी ना? हाँ चलो, ऐसा काहे बोल रहे हैं पता है, जब हम लोग पहले पढ़ाते थे, मतलब स्कूल में आज के कुछ 2-3 साल पहले, वहाँ पे खुशी नाम की एक लड़की थी, उसको जितने मारो उतने हंसती थी, मतलब समझ रहे हो, जितना उसको पीटो उतने हंसती थी। अब समझ लो, ऐसे भी लड़के होते हैं, कुछ होते हैं उनको दो एक का थप्पड़ मार दो तो रोने लगेंगे प्या प्या, और कुछ ऐसे होते हैं उनको जितने मारो उतने हंसते हैं। अब बताओ, ऐसे भी हो इसमें कोनों का, जिसको खून दो तो हंसे हो, मतलब रोए ना। अरे ये इसमें कौन हंसने वाली बात है भाई, होता नहीं लोग, जैसे किसी का नाम पंकज है तो घर वाले बोलते नहीं ए पंकजवा, ऐसे बोलते नहीं, जैसे खुशी है तो खुशिया हो गया, ऐसे लोग बना लेते हैं ना घर में, भाई बहन है लोग चिढ़ाते हैं, हाँ किसी का नाम में कुछ मिल गया थोड़ा बहुत टेढ़ मेढ़ करने लायक तो बुलाने लगते हैं। तो इसको कर लोगे तुम लोग अब? मैं इसमें का और क्वेश्चन करवाऊं क्या, इसमें का और करवाऊं क्या? ये जो चचा लोग बैठे हैं ना, ये चाह रहे हैं कि मैं सब लगवाऊं, मैं एक तरफ से सब लगवाऊं और ये छाप लें, इनका मन वही है। चलो ठीक है, देखो तो अब तुम किताब वाला कर लो, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट देखो बच्चा, अब तुम्हारे किताब वाला आ गया समझो। देखो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मजा आनी चाहिए, नहीं तुम लोग सोने लगते हो। हाँ चलो, इसका मुझे बताओ कौन कौन कर लेगा? अरे भाई ब्लर ना कर यार, थोड़ा तो साफ दिखने देना, देखो आज मुंह नहीं धुला हूँ तब भी अच्छा दिख रहा है ना, ये सब कैमरे का कमाल होता है, चाहे सुबह सुबह आँख रगड़ के उठ जाओ इसे बिना मेकअप के, तब वो अच्छा दिखता है। वैसे मेकअप तो हम नहीं करते, फिलहाल लड़कियां करती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वैसे अच्छे दिखते हैं। चलो देखो समझो बच्चा, क्या करेंगे इनको, इनको हम 100+3 लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं बच्चा 100+7 लिख सकते हैं ना, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी यहाँ पे नालायक प्राणी जन्म लिए हैं जो चाहते हैं कि मैं लगवाऊं, वो चाहते हैं कि मैं लगवाऊं और वो छाप लें। तो बच्चा देखो, अगर तुम्हें आ रहा फिर भी कर लो, हजम हो जाएगा, अपच नहीं करेगा, पलटी नहीं होगी, समझ में आएगा। देखो समझो, इसमें तुम सूत्र लगाओगे x+a और x+b। देखो ये फार्मूला जब हम लोग समीकरण बनाते थे उसमें भी लगता था, उसमें भी लगता था ना बच्चा। तो ये सूत्र बनता है आपका x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू x और ab का, भाई दादा लोग यही है ना,
अभी यही सूत्र लिखा था ना मैं, यहाँ लास्ट में ए बी है, थोड़ा सा कट जा रहा है, थोड़ा सा क्या करूँ, कैमरा इधर घुमाऊँ का, तुम समझ लोगे, नहीं घुमाऊंगा, अभी तो मैं पहले में लिखवाया था ना, यहाँ पे ए बी है लास्ट में, याद रखना ए बी, ठीक है। चलो तो बच्चा इस फार्मूले में मान रखोगे, यहाँ पे मानोगे, माना तुम्हें दिख ही रहा, जहाँ यक्स है वहाँ 100, जहाँ ए है वहाँ क्या 3, जहाँ बी है वहाँ क्या बच्चा 7, बस इन्हीं तीनों को मान रखना है, हो गया, चलो रख दो फटाफट, हो गया बस। हीना साहू, विकास विश्वास, मीनाक्षी रानी, रानी साहिबा कुछ समझ में आ रहा कि नहीं, थोड़ा बहुत 2-4% आ रहा है ना, चलो देखो, ठीक है। तो बच्चा ये यक्स का स्क्वायर है बाबू, यक्स की जगह पे रखोगे 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, प्लस ए का मान है 3 और बी का मान है 7, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 7, यक्स की जगह पर 100 और ये 3 × 7, लास्ट में मैंने 7 लिखा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, तुम्हें हल्का कटा होगा ना, कुछ ऐसे मलिच्छ टाइप के, इनको दिखाना पड़ेगा नहीं तो गरियाएंगे, कहेंगे नहीं दिख रहा है, रुक जा दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, बस खुश ना, अब दिख रहा है ना, उधर कट गया होगा, कुछ ज़्यादा फैल गया है, पढ़ने का मन ना हो तो कान में मोबाइल लगा के कॉमेडी देखो, मम्मी पापा देखें, हाँ बचावा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, इसे यहाँ हमारे सामने दो लोग पढ़ रहे हैं, मतलब किताब लिए हैं सामने रखे हैं, कॉपी, हाँ मोबाइल में कॉमेडी चल रही है, पेन सामने रखे हैं, कॉपी सामने रखे हैं, लग रहा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तीर मार रहे हैं, और मोबाइल में क्या चल रहा है भगवान जाने, ऑनलाइन पढ़ाई क्या क्या कर रही। चलो अब ये कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा इसको इधर इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि उधर जगह छूट जाती है, तो बच्चा ये 4-0 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये 3 और 7 तुम्हारा 10 हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे 1000 हो जाएगा, और ये 21, तो भाई कितना आएगा, कितना आएगा ये मुझको ना पता कितना आएगा, देखो मैं तुम्हें यहाँ जोड़ के दिखा देता हूँ क्योंकि तुम लोग वैसे कर नहीं पाओगे, हम काहे को वैसे दिमाग पकाएं, ये 4-0 ना बचवा, देखो इधर 3-0, हाँ ये 21 चाचा ऐसे आ जाएंगे, ये 1-1-0-2-1 फाइनल में हो जाएगा 1-1-0-2-1, यानी हम कह सकते हैं 11,021। कुछ ऐसे भी दादा लोग हैं यहाँ, उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, बोलेंगे क्या, ना पढ़ पाएंगे वो, हाँ भगवान जब उनको जन्म दिए तभी बोले थे तुम गिनती नहीं पढ़ना, नहीं चलो छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। जितेंद्र सिंह, आशीष यदुवंशी, भोले यादव, राजन यादव, बबलू लाल सरन, निशांत कुमार, ललित मीना, बेटा कुछ समझ में आ रहा बबुआ, हाँ भाई तुम लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो ना, ईमानदारी से बताओ कौन कौन नहीं शेयर करा है, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, शेयर नहीं करे हो ना, सभी लोग नहीं शेयर करो, मुझे पता है, क्लास को यार शेयर कर दिया करो, कुछ गरीब इंसान का भी भला हो जाए, हाँ अब तुम लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर वही होगा कि बेटा चलो 700-700 रुपये जमा करो, हमारी भी दुकान चलती है, हम भी बेचते हैं कोर्स, हाँ लेकिन तुम लोग के लिए फ्री कर दिया हूँ कि हाँ पढ़ लो, देश के भविष्य हो, आगे बढ़ोगे, कुछ अच्छा होगा, पैसा तो बहुत आ रहा है, क्या करेंगे इतना पैसा, लेकिन तुम लोग फिर भी शेयर नहीं करते हो क्लास, फिर अभी मैं वही बोलूँ कि बच्चा 700 जमा करो, चलो ज्वाइन करो, तो क्या करोगे, 100 में से 60 भाग जाओगे, 40 तो जमा करोगे ना, कुछ तो मिलेगा, इसका कई गुना ज़्यादा मिलेगा ना, लेकिन उसमें कुछ ऐसा गरीब भी है जो नहीं पढ़ पाएगा, तो हमारी कोशिश है कि तुम फ्री में पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, लेकिन उसके लिए शेयर तो किया करो क्लास को यार, चलो क्लास को लाइक और शेयर करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, बोलो है कि नहीं, हाँ जो तुम्हारा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें तुम कूड़ा कचड़ा भेजते हो दिन भर, या फिर तुम्हारा फेसबुक ग्रुप होगा जो लड़कियां होंगी उनमें अपना हुनर दिखाने के लिए इंस्टाग्राम बनाई होंगी जिसमें कुछ ना कुछ एक्टिंग कर रही होंगी, उस पर क्लास का लिंक भी कभी भेज दिया करो, कोई पढ़ भी लिया करे, हाँ दूसरा पार्ट देखो 95 और ये क्या है 96, क्या है बचवा 95 और 96, इसका गुणा करो भैया, ये में नई सर्वसमिका लगेगी का,
चलो बताओ जल्दी से, इसको करो जल्दी से सभी। 95 और 96 कर लोगे कि नहीं? अच्छा बताओ इसमें कितने लोग कर लेंगे इसको? हाँ 80 से 82 कर लोगे बच्चा? बताऊं कि ना बताऊं? मुझे नहीं लग रहा कि बताना चाहिए, अब कर लेना ठीक है। इसमें केवल माइनस हो जाएगा, बस इसमें माइनस हो जाएगा, जहां पर वहां पर प्लस हो रहा था इसमें माइनस हो जाएगा ठीक है। अब इसे तुम लोग कर लेना, अगर फिर भी नहीं कर पाओगे तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा बाद में ठीक है। लाइट गई, वैसे शुक्र है कि नहीं चलेगा, बंद होगा, चलेगा। वे उधर फैन बंद करके आ जाओ, चलें, मैं ही करके आता हूँ, एक मिनट रुक जाओ भाई, बंद करने दो, लाइट चली गई नहीं तो सब बैठ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, आधा मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा सा। चलो ठीक है, अब बंद हो गया है। देखो यहाँ पे समझो आप लोग, लाइट तो जल रहा है लेकिन कम जल रहा है ना, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। समझो यहाँ पे इसे कर लोगे पहले बताओ हाँ या नहीं। देखो बच्चा इसको ऐसे करोगे, बच्चा ऐसे करोगे 100 माइनस 5 और ये 100 माइनस 4 ये बनेगा तुम्हारा ठीक है, ये बनेगा, इसको कर लेना। और हाँ इसमें माइनस वाला सूत्र लगाओगे? नहीं आएगा तो मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं। हाँ चलो ठीक है। हीना साहू ठीक है ओके। तो अब ये बताओ अगला क्वेश्चन कराया जाए ना, दूसरा कर ही लोगे, तीसरा में क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो भाई ईमानदारी से नोट्स बनाओ, बताओ मुझे नोट्स बना रहे हो कि नहीं? सभी सभी बच्चे नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो ये बताओ, बना रहे हो ना? ठीक है बेटा, देखो तीसरा वाला क्या कह रहा है, उपर्युक्त तो सर्वसमिकायों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। इसमें भी क्या करना है तुम्हें, फैक्टर ही लगाना है, इसमें भी क्या करना है, फैक्टर लगाना है। 91 और 20 आ रहा आंसर, कितना आ रहा है इसका उत्तर, कितना आ रहा है, कौन कौन करा? आ रहा है ना ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना अगली क्लास में। देखो तुम लोग सारे फार्मूले तो लिखे नहीं, मैं सर्वसमिकाएं लिखाना चाहता था लेकिन तुम लिखना चाहता नहीं है तो मैं क्या करूं बताओ? हाँ नहीं लिखना चाहता तो मैं क्या करूं? अभी इसमें वज्र गुणन विधि और वो क्या बोलते हैं उसे जो हाई स्कूल में पढ़ते हो, अभी इसमें गुणनखंड करना भी तुम्हें सीखना है, लेकिन मैं आज आसान वाला सब बताऊंगा, जितना आसान है उतना ही बताऊंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा कठिन करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन अभी डायरेक्टली अगर हम चलेंगे जो आपका किताब का क्वेश्चन है तो तुम समझ ना पाओगे बच्चा। गुणा करने पर 9 आए, जोड़ने पर 6 आए, कर लोगे इस तरह का? चलो तो थोड़ा सा गुणनखंड करवा देता हूँ, गुणनखंड वाले थोड़ा सा कर लो चूंकि टाइम बहुत कम है अब, उसके बाद फिर कल हम आपके बुक वाला फिर करवाएंगे। देखो डायरेक्ट बुक वाले सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, नहीं तुम समझ नहीं पाओगे, याद रखो इस बात को। बाकी मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, फिर रोओगे बाद में, तुम कहोगे समझ में नहीं आया। तो चलो ये गुणनखंड वाला पहले सीख लो। क्वेश्चन देखो बच्चा, ये मिटा देता हूँ, जितने भी द्विघात वाले हैं उनका गुणनखंड। समझो यहाँ पे पहले तुम गुणनखंड करना सीख लो। जैसे मान लो मैंने लिखा x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12, इसके गुणनखंड करके मुझे बताओ। बहुत आसान है, एकदम बेसिक है, जल्दी से सभी बच्चे इसका गुणनखंड करके बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लाके मुझे फैन रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला फैन बंद हो गया, गर्मी बहुत तेज लग रही है, तो थोड़ा सा रुक जाओ मैं आया। चलो एक मिनट भाई, आया रुके रहो, निकल जा।
ठीक है ना? ओके है, सब कुछ मस्त है। चलो चला कि नहीं चला? नहीं चला तो अब चला। चलो चलो ठीक है, आप सही है, कुछ हद तक तो राहत मिलेगी। इसका आंसर कोई बता रहा है? अनुराग। ठीक है ठीक है बच्चा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो ठीक है, चल नहीं रहा है का, ये चल रहा है। ठीक है तो हाँ, एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस फोर, ललित मीना, संजय कुमार, रूपेश, मुकेश। ठीक है राहुल कुमार, बच्चा देखो मैथ में वीक हो तो तुम एक काम करो, जो नंबर दिए गए हैं ना नीचे उस पर संपर्क करो। ठीक है, इसका एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस फोर आएगा, ये करेक्ट आंसर है। एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस फोर इज करेक्ट आंसर। ओके तो मैं बता देता हूँ जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए, उसके बाद तो कल हम इसके आगे जो आपका किताब वाला उसको तो पढ़ेंगे ही। तो बेटा इनको क्या करोगे, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हल लिखोगे। इन्हें जो मेथड लगा रहे हैं इसे बोलते हैं मध्य पद को तोड़कर। तो यक्स का स्क्वायर प्लस ये आपका तीन प्लस चार हो जाएगा इंटू यक्स प्लस बारह। ठीक है देखो ऐसे कैसे करते हैं, पहले समझ लो थोड़ा सा। जो मध्य पद है जैसे सेवन है, और जो लास्ट वाला एक आपका 12 है, जिसे बोलते हैं क्या है, कांस्टेंट है। हम देखते हैं कि गुणा करने पर मतलब कांस्टेंट वाला पद आए, और जोड़ने पर क्या आए, मध्य पद आ जाए। यानी हमें ऐसे करना है कि कोई दो गिनती हो जिसको गुणा करें तो 12 आ जाए, और जोड़ दें तो 7 आ जाए। मुझे ये तरीका लगाना होता है। ठीक है बच्चा, तो वो गिनती क्या है, 3 और 4। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमेशा ये प्रक्रिया यहाँ पर लागू होनी चाहिए कि अगर हम जोड़ दें तो 7 हो जाए, गुणा कर दें तो 12 हो जाए, ये कन्फर्म रहना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ समझो। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको गुणा कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस ये 4x और ये प्लस 12, बस हो गया, करना क्या है। हाँ क्लियर। अब ये आपका क्या हुआ, यक्स का स्क्वायर प्लस ये हो गया, देखो इसमें कॉमन ले लोगे, क्या करोगे इसमें, इसमें तुम कॉमन निकाल लोगे। तो बेटा चलो कॉमन ले लो, ठीक है डोंट वरी, कॉमन ले लो। चलो इसमें यक्स कॉमन ले लोगे तो यक्स प्लस 3 बचेगा, इसमें 4 कॉमन ले लोगे, यक्स प्लस 3 बचेगा। फाइनल में तुम्हारा यक्स प्लस 3 और ये यक्स प्लस 4 आएगा, ये क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है अंकित बेटा पढ़ लो, पढ़ लो। ठीक है बेसिक सीरीज चलेगी, रक्षाबंधन बाद आपको वीडियो मिलेंगे, वैसे रात के 9 बजे वैसे भी तुम्हें वीडियो मिल जाता है। ठीक है रात के 9 बजे वैसे भी मिल जाता बेसिक वाला। चलो इसे लिख लो, लिख लो, ये हो गया। इसमें किसी को कोई परेशानी है तो बता दो। हाँ देखो बेटा, जिनको बेसिक सीखना है PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी जाके तुम अभी तुरंत कर सकते हो, तुरंत जाके कर सकते हो। तो इस टाइप का एक कर लिए, एक मैं और बताऊंगा अलग टाइप का, आप ध्यान से समझो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है विकास पाल, हाँ कमेंट आ रहा पाल जी, ठीक है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है ओके, सब कुछ मस्त है। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, अब तुम ध्यान देना, क्वेश्चन बदलेगा थोड़ा सा, तरीका भी इसमें बदल जाएगा। ठीक है समझो, यहाँ से समझो और सीखो, समझो और सीखो। यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा था, ये गीला है यार, देखो ये गीला रहता तो ये लिखता नहीं, मार कर चलता नहीं, ये मुसीबत है। देखो बच्चा यहाँ से समझो, क्वेश्चन अगला है आपका नेक्स्ट, 3x का स्क्वायर और प्लस
गुणा करने पे मान लो आठ एक्स आ जाए और ये आपका ऐसे। देखो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है तो ये भी वैसे करना तो इसको भी वैसे है, लेकिन थोड़ा सा अलग लेवल का है। हाँ ये थोड़ा सा अलग लेवल का है, ठीक है बच्चा। विकास विश्वास, विकास विश्वास तुम क्या चाहता बच्चा? हाँ क्या चाहता, तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाए? बाबू देखो फालतू का इमोजी उमोजी मत भेजो, ना भेजो फालतू का इमोजी मत भेजो। चलो आपका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन सेकंड तक हो चुका है, क्वेश्चन थर्ड में कल करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा मजबूत बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बताया था, अगर तुम पढ़े हो तो इसके पहले भी मैं बताया था बेटा, अब रात के 9 बजने वाला है, बेसिक वाले चिल्ला मिल्ला आ जाएंगे सब, तो वो भी पढ़ लेंगे इसी में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो बेसिक वाले भी इसी में पढ़ लेंगे। तो देखो बच्चा दोनों समझो, जैसे ये आपका इक्वेशन है यक्स का स्क्वायर प्लस मान लो 9x है और ये 18 है, ये और ये दोनों में अंतर है। अंतर क्या है वो मैं बता रहा हूँ, तुम ध्यान से समझो। क्योंकि इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसका कोई गुणांक है नहीं, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ है नहीं। हाँ तो हम क्या करते हैं, गुणा करने पर सिर्फ इसको देखते हैं कि गुणा करने पर ये गिनती आ जाए, मतलब गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए, हम सिर्फ इतना देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये भैया के साथ भाभी भी रहती हैं तब क्या करते हैं, इन दोनों का हिसाब करते हैं। दोनों का हिसाब मतलब कैसे, पहले इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको गुणा करने पे लाएंगे, नहीं, ये गुणा करने पे लाएंगे ऐसा नहीं है। हम पहले इनका आपस में गुणा करते हैं तब डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें गुणा करने पे, जैसे इसमें दो गिनती खोजते थे ना, जिनको गुणा करें तो 18 हो जाए, जोड़ दें तो 9 हो जाए, अभी अभी पढ़ाया हूँ ना। इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि गुणा करने पर 5 हो जाए, जोड़ने पर 8 हो जाए, कोई ऐसी दो गिनती मिलेगी नहीं जिसको गुणा करो तो 5 हो जाए, जोड़ दो तो 8 हो जाए, ऐसा मिलेगा ही नहीं, ठीक है बच्चा। तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, यानी गुणा करने पर 15 हो जाए और जोड़ने पर 8 हो जाए। किसी को बताना नहीं, कहीं लिखना भी नहीं है, केवल तुम्हें समझना है, बस केवल खुद को समझना है। चलो ठीक है, ओके ठीक है। तो अब नीचे वाला तो मैं बता चुका हूँ, अब उस क्वेश्चन पे चलता हूँ। मुझे आप लोग बताओ, कोई भी दो ऐसे अंक बताओ जिनको गुणा कर दें तो 15 हो जाए और जोड़ दें तो 8 हो जाए, जल्दी बताओ। गुणा कर दें तो 15 हो जाए, जोड़ दें तो 8 हो जाए, कोई दो गिनती है ऐसी? कोई दो गिनती है? हाँ है चाचा लोग की नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखो जोड़ दें तो 8 हो जाए, वो 5 और 3 है, और गुणा कर दें तो 15 हो जाए, वो 5 और 3 है। हाँ बाकी तुम जोड़ दो तो 8 हो जाएगा, ये ठीक है। बाकी तुम 4 में 4 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम 7 में 1 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चचा अगर इनका गुणा करोगे तो 15 किसी में नहीं आएगा, तो हमें सिर्फ वही दो अंक लेना है जिनको जोड़ दें तो 8 हो जाए, गुणा कर दें तो 15 हो जाए। मुकेश कुमार बच्चा फालतू कमेंट ना करो, मुकेश कुमार फालतू कमेंट ना करो, पढ़ लो अच्छी बात रहेगी। हाँ पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो। चलो ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 + 3 लिख सकते हैं 8 की जगह पे, इंटू यक्स प्लस 5, बस। इसमें किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है समझो। अब क्या करेंगे, इनको ऐसे बराबर करते जाओ, इधर मैं थोड़ा खींच रहा हूँ क्योंकि उधर जगह कम हो जाएगी। तो 3x² + 5 का x में गुणा करोगे बच्चा तो 5x, 3 का x में करोगे 3x,
प्लस पाँच, इन दोनों में तुम कॉमन ले लोगे, इसमें कॉमन ले लोगे। पहले मुझे ये बताओ कॉमन क्या आएगा। आलोक यादव, ब्रिज मोहन कुमार, अखंड प्रताप मिश्रा, मोटिवेशन वीडियो, नेकी राम, कुरी। भाई कोरी लिखे हो कुरी लिखे हो, क्या कह रहे हो? तो देखो बचवा, इसमें तुम कॉमन लोगे तो सिर्फ यक्स कॉमन होगा, इसमें तीन यक्स बचेगा, इसमें पांच बचेगा। चचा ये में कुछ कॉमन वॉमन है नहीं लग रहा है। तो वन जो है ना गांव का चौधरी है, ये सबके साथ शामिल रहता है, इनमें कुछ नहीं है, तब भी तुम वन कॉमन ले लोगे। ये सामाजिक नियम निभाना है, कॉमन लेना जरूरी है। कोई भी कॉमन नहीं लग रहा फिर भी वन लोगे, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये तीन एक्स प्लस पाँच एक हो जाएगा और एक्स प्लस वन एक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो बच्चा, अगर तुम्हें नाइन्थ में पढ़ना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। और ये नौ बज चुका है, मुझे लग रहा है कुछ बेसिक वाले भी आ गए होंगे बच्चे जिनको बेसिक सीखना है, तो ठीक है बेसिक वालों के लिए भी ज़रूरी है ये पढ़ना, सब लोग मिलके पढ़ लो। चलो जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, हाँ इधर उधर देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे, पढ़ना है नहीं उन्हें। चलो शहादत, भाई शहादत नाम तो आपका बहुत मुझे समझने लायक लग रहा है, ये सबके लिए है अगर आप बेसिक सीखना चाहते हो, बेसिक सीखना चाहते हो तो सबके लिए है, बाकी ये एमपी पुलिस में ऐसे सीधा फीधा नहीं आएगा। तो आप लोग सीख गए, मुझे लग रहा है टाइम भी काफ़ी हो गया, कुछ और करवाया जाएगा। हाँ कुछ सर्वसमिका लिख लो बच्चा, सूत्र लिख लो, सर्वसमिका लिख लो कुछ, क्योंकि उन पे आधारित तुम्हें क्वेश्चन मुझे करवाने ही पड़ेंगे, लिख लो। चलो लिखो, देखो फार्मूले तभी याद होते हैं जब तुम सूत्र उनको यूज करके क्वेश्चन करोगे, बाकी बैठ के रटोगे लेके ना याद नहीं होगा, एको रटने से नहीं याद होगा बेटा। देखो समझो, जैसे कुछ सूत्र हैं a प्लस बी का होल क्यूब, अभी जैसे करवाया था वो ना x प्लस वाई वाला, सेम वही है, जहाँ उसमें x इसमें a, जहाँ उसमें y इसमें b, बस वही है, बाकी कुछ अलग नहीं है। अच्छा इसमें से कोई मुझे इसका सूत्र बताए ऊपर वाले का, मैं इसमें घुस जा रहा हूँ। चलो बताओ फार्मूला कितने को याद है, ईमानदारी से बताना बेटा, बेईमानी नहीं करना, जल्दी से बताओ कितने को याद है ये सर्वसमिका, ये प्लस माइनस मेन यही है। हाँ इस चैप्टर में लगने वाले जो दो सबसे खतरनाक सूत्र हैं वो यही हैं, और इनके दादा एक जने हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहीं तब इंड है, उनको भी लिख लो। यक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर। देखो जो बेसिक मैथ पढ़ने वाले कुछ अभी साथी हमारे जुड़े होंगे अगर रात के 9 बजे से, तो वो जान लें आज बेसिक मैथ नहीं चल रही है, ये कक्षा 9 वालों का चल रहा है, उसी पर आधारित बेसिक करवा रहे हैं, तुम भी सीख लो। बाकी बेसिक क्लास तुम लोग शेयर करते नहीं हो, ज़्यादा भी वो आते नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा दिन के लिए बंद करा है, थोड़ा दिन के लिए बंद करा है, शुरू कर देंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अनिकेत तिवारी ने बता दिया है, ठीक है अनिकेत जी। रितु यादव ठीक है, रविशंकर, आराधना कुमारी आपने बताया है पूरा का, वाह भाई कमाल है। अच्छा तुम लोग ये घात कैसे लगा लेते हो कमेंट में, हैं ये कमेंट में पावर कैसे लग जाती भाई, मैं तो नहीं लगा पाता हूँ। चलो ठीक है, अच्छा है। आज कौन सा डे है, आज मंडे नहीं आज ट्यूजडे है बचवा, टेस्ट तो शनिवार को होता है, सैटरडे को टेस्ट होता है, रोज नहीं होता है, ये कोई भंडारा नहीं है, नहीं रोज नहीं होगा। एक थी और सूत्र है इसमें खतरनाक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक का भी लिख ला भैया, लिख ला बचवा लिख ला। एक और भी खतरनाक सूत्र है, इसको भी लिख लो, ये सर्वसमिका हैं, ये सभी सर्वसमिका हैं समझो, ठीक है।
माइनस तीन एक्स जेड है। ओके चलो लिखो इन्हें आगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ओके आगे लिखो, देखो सभी का स्क्वायर कर दोगे एक्स वाई, वाई एक्स और जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। सभी का स्क्वायर मतलब ये वाई का स्क्वायर, ये जेड का स्क्वायर, सब देखो प्लस है तो इसमें हर जगह सूत्र में प्लस रहेगा बच्चा, इसके बाद जो है वो सारे माइनस रहेंगे। कहाँ से शुरू होगा? एक्स वाई से, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये एक्स वाई और फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स, लिख लो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्वसमिकाएं हैं, क्लास नाइन्थ में आए हो, ये तो बिल्कुल नया है मार्केट में अभी, ये तो बिल्कुल नया है मार्केट में, ये तुम्हारे लिए नया लग रहा होगा भाई। इनका का नाम है बड़ा, ये झिंगुर माछी भेज रही हैं, निहारिका मालवीय, निहारिका मालवीय मार कूड़ा कचरा भेज रही, इनको होल्ड कर दो जल्दी से। हाँ मार कूड़ा कचरा भेजे जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कूड़ा दान है ये, कमेंट दान नहीं है। तो चलो इनको भी कर देते हैं, सभी का स्क्वायर कर लो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल होता है 2ab, यानी 2xy प्लस 2bc मतलब 2yz। क्यों भैया सही जा रहा है ना ये? हाँ फिर 2ca होता है तो ca का मतलब zx, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। राहुल कुमार कक्षा 10 का सुबह 8 बजे होता बाबू, सुबह 8 बजे PBR स्टडी इलाहाबाद लाइव सर्च करना मिल जाएगा, सुबह 8 बजे PBR स्टडी इलाहाबाद लाइव सर्च करना मिल जाएगा। कच्चा इनका का होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। कुछ लोग इनका कोष्ठक खोलेंगे तो कुछ और मिल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं कोष्ठक नहीं खोलूँगा, काम क्यों बढ़ाऊँ। नेकी राम समझ में आ रहा है? बोले या दो प्रभु समझ में आ रहा है? हाँ चलो, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, इतना ठीक है। छाप लो सभी जितने भी सर्वसमिकाएं हैं, सर्वसमिका को इंग्लिश में आइडेंटिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। देखो बच्चा जो भी बेसिक मैथ वाले जुड़े हैं बाबू अभी अभी, क्योंकि 9 बज गया है तो ये भंडारा का टाइम ख़त्म हो गया है, हाँ अब दूसरा टाइम शुरू हो गया है, तो 9 बजे वाले जो बच्चे आए हैं वो जान लें ये क्लास नाइन्थ का जो है वो चल रहा है। हाँ तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो साथ में पढ़ लो, अच्छी बात है। लेकिन देखो नाइन्थ वाले बच्चे 100 से 200 बच्चे लाइव लाते हैं, 100 से बच्चे नीचे जाते ही नहीं हैं। बेसिक में भी मुझे मत्था पीटना पड़ता है, सिस्टम बनाना पड़ता है, क्या पढ़ाना है, कितना आज पढ़ाया है, कल कितना पढ़ाना है, परसों कितना पढ़ाना है, कितना पढ़ा दिया, क्या नहीं पढ़ाना है, मुझे बहुत गूढ़ा गणित करना पड़ता है बेसिक में पढ़ाने में। लेकिन तुम लोग ना तो बेसिक वाला शेयर करो ना लाइक करो, इसलिए मैं बेसिक क्लास बंद कर दिया, मजबूरी में बंद कर दिया बेसिक। मुझे पता है उन अंकल आंटी का दर्द, भैया भाभी का दर्द, जो 30 साल के हो गए हैं, शादी हो गई, अभी नए नवीली दुल्हन बन के आई, मैथ नहीं आती, बड़ी बेइज्जती हो रही, कोई इससे पूछ नहीं सकती है। लेकिन वो बेइज्जती लेके बैठी तो मैं क्या करूँ। क्लास को आप लाइक और शेयर करो तो मैं बेसिक पढ़ाऊँ रोज 9 बजे से, लेकिन कोई करता ही नहीं। चलो तो इसे लिख लो, फिर आज का सेशन हम बंद करेंगे, आज का क्लास हम बंद करेंगे। आप लोग मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे 2 मिनट, कौन कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है, जैसे आपके ज़िले का कौन सा नाम है और आपके राज्य का कौन सा नाम है, सिर्फ इतना बताओ बस, उसके बाद हम चलते हैं, आज का क्लास बंद करेंगे। आप लोग अपने ज़िले और राज्य का नाम बताओ, एक बार करोगे थोड़ा थोड़ा देर में। चलो ऋषि तिवारी कॉपी चेक करेंगे, हाँ रिशु कॉपी चेक करेंगे, लेकिन बताएंगे अभी, ऐसे रोज नहीं करेंगे, करेंगे थोड़ा बताएंगे आपको। रोशन कुमार ये बिहार के सहरसा ज़िले से जुड़े हैं, एलएस वर्मा राजस्थान से जुड़े हुए हैं, भीलवाड़ा इनका ज़िला है। रवि शंकर मैथ के खान सर हैं,
अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू आपको। चलिए, अजय अहिरवार, SSC JD की वैकेंसी बढ़ेगी क्या? भैया देखो, नौकरी के बारे में ना पूछो, नौकरी के बारे में ना पूछो। हाँ, चुनाव आ रहा है, कुछ हो सकता है, अलग बात है, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगी मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है। कुछ पता नहीं, अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। तुम्हारा नाम ही नहीं है लव मॉम डैड, तो मैं क्या बोलूँ तुम्हें। रितु यूपी के फिरोजाबाद से जुड़ी हैं, राजस्थान के जोधपुर से मुकेश जुड़े हुए हैं, और गार्ड प्रभात ऑफिशियल बस्ती यूपी से जुड़े हैं। प्रीति विश्वकर्मा का भी कमेंट आ रहा, जो कि रीवा के मध्य प्रदेश से हैं। मसीबा पासा, ये यूपी के रामपुर से हैं। गुड्डू विश्वकर्मा छात्रा, झारखंड का एक जिला है, यहाँ से हैं। अमित कुमार अयोध्या उत्तर प्रदेश से हैं भाई। मनोज यादव यूपी के आजमगढ़ से हैं, और ईस्ट चंपारण से, बिहार से सुजीत कुमार जुड़े हुए हैं। यूपी के भदोही से पंकज हैं। हीरा लाल, ये जिला सुल्तानपुर यूपी से हैं। का भैया हीरा लाल कहाँ से हैं? हम भी सुल्तानपुर के रहने वाला ही। और भाई ये कर्मा बरौल प्रयागराज से हैं। रीवा मध्य प्रदेश से वर्तिका भी हैं। डोसा, डोसा, अरे वो खाने वाला डोसा नहीं, ये MP का एक जिला है डोसा, वहाँ से जुड़े हैं। विशाल तिवारी दिलीप यूपी के औरैया से हैं। देखो बच्चा, एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो, एक से अधिक बार नहीं। राजपूत वीडियो, ये बस्ती नेवाडा भाई, गांव का नाम ना बताओ, नहीं ये सब बड़ा खब्बू है, पहुंच जाएंगे सुबह रेलई के थरिया मांगने, तो कहोगे आप ही बुलाए हो इन लोग को। हाँ, गांव का नाम ना बताओ। अंकित कुमार यूपी के भदोही से हैं। देखो मैं कमेंट इसलिए रोका हूँ 2 मिनट के लिए कि ये लोग बार बार ना करें। रविंद्र सिंह यूपी के बलिया से हैं। विमलेश यादव बिहार के सहरसा जिले से हैं। शिवम विश्वकर्मा जी इलाहाबाद यूपी से हैं। विजय जी हैं सिवान बिहार से। झारखंड के घरवा जिला से भाई हरिकेश यादव जुड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बच्चे राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, अधिकतर जो हैं यहीं से हैं ना, कि और भी कहीं से हैं भाई? देखता हूँ, खोजता हूँ कोई नया जगह से भी है का। हाँ, कुछ बच्चे हैं, ठीक है ठीक है, महाराष्ट्र से भी हैं, मतलब कि मुंबई से हैं। महाराष्ट्र का एक जिला है मुंबई, ठीक है। कुछ लोग तो यही जानते हैं छोटे बच्चे कि मुंबई एक खुद एक देश है, मुंबई महाराष्ट्र का एक शहर है। हाँ, जैसे आपका प्रयागराज इलाहाबाद है यूपी का, आगरा है, उसी तरह से वो भी एक शहर है। मध्य महाराष्ट्र में 48 जिले हैं कि नहीं, कितने जिले हैं? तो चलो ठीक है, बंद करते हैं भाई। लीजेंड गॉड गेमिंग कानपुर यूपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा ठीक है, हीना साहू छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, तो काय नहीं बोल रही थी अब तक, सर मार रही थी। प्रेमचंद कोटा से हैं, राजस्थान से। भाई कोटा तो बड़ा फेमस जगह मैंने सुना है। चलो, जहां जहां से तुम लोग कमेंट कर रहे हो ना, आएंगे कभी मिलने, आना जरूर। हाँ, और साथ में गुजिया बना के लेके आना, खाली याद नहीं आना, आएंगे बताएंगे। हाँ हाँ बताएंगे, आएंगे तो चलो।